शांति की इस यात्रा की दूसरी मंजिल है श्रद्धा। सच्ची बातों को मान लेने का नाम श्रद्धा है, सच्ची बातों को जान लेने का नाम श्रद्धा है। इट्स फेथ एंड पेशेंस, फेथ ऑन बुद्ध धम्मा एंड संगा। और बुद्ध कहते हैं श्रद्धा का मतलब अपने जीवन मार्ग में हर किसी के प्रति आदर सम्मान और स्नेह का भाव रखना। ये पल पल बहता जीवन एक मार्ग है। मनुष्य भटका है इसलिए कि उसने जीवन को तो मार्ग समझना ही छोड़ दिया है। कभी उन मार्गों को धर्म कहता है, कभी योग कहता है। मनुष्य शब्दों के जाल में उलझ रहा है। तुम जहां हो आंखों के सामने है। जीवन के सुख दुख का मार्ग है, जीवन की सफलताएं असफलताएं ये मार्ग है। जिसने मार्ग पूरा कर लिया कौन है ये व्यक्ति? वही जिसने जीवन की धूप में अपने को पका लिया, जीवन की गहराइयों ऊंचाइयों को छुआ, बुरे भले अनुभव किए, पाप पुण्य को चखा, गिरने की पीड़ा भी जानी और उठने का अवभाग्य भी जाना, अंधेरी रातें भी रोशनी से चमकते दिन भी, जिसने सब देखा, जो सबका साक्षी बना, जिसने सबको अपने ऊपर से गुजर जाने दिया लेकिन किसी के साथ तादात्म्य ना बांधा, जवानी आई तो जवान हुआ, सुख आया तो अपने को सुखी ना समझा, दुख आया तो अपने को दुखी ना समझा, जो आया उसे स्वीकार कर लिया। जीवन में कुछ भी अकस्मित अकारण घटता नहीं, जीवन जो भी है सकारण है। और ये सकारण जीवन श्रद्धा के साथ श्रद्धामय हो, आदर स्नेह और सम्मान से पूर्ण हो। बुद्ध के इस विचारधारा से प्रेरित अगला ट्रैक श्रद्धा फेथ। तो चलिए सुनते हैं पावा जी का अगला गाना श्रद्धा और फेथ पर। Sangam saranam, sangam saranam, gacchami.
शील करुणा से प्रज्ञा शील करुणा से प्रज्ञा शील करुणा से प्रज्ञा शील करुणा से झीले वर्तमान तेरी तुझको हाँ ज्ञान देगी नम्रता तेरी तुझको हाँ मान देगी योग्यता तेरी तुझको हाँ स्थान देगी एक दिन हम मिल जाए तो सम्मान देगी एक दिन हम मिल जाए तो सम्मान देगी जिंदगी का